नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सॉर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा कंप्लीट एंगुलर फॉर्म सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे ऐड करते हैं डायनेमिकली अपने रो को एंगुलर फॉर्म के अंदर, और उससे पहले दोस्तों हमने देखा था कि नेस्टेड फॉर्म एरे क्या होता है। और आज जो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पास जो वीडियो, उसमें हम ये देखेंगे कि नेस्टेड फॉर्म ग्रुप क्या होता है, मीन्स कि फॉर्म ग्रुप को हम नेस्टेड क्यों करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिकल करके हम डिटेल्स में देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सॉर्स ऑफ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, आप यहाँ पर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, नेस्टेड फॉर्म ग्रुप का कंसेप्ट तब आता है जब हमारे पास फॉर्म बहुत बड़ा सा हो और उसमें हम चाहते हैं कि फॉर्म के सब ग्रुप्स, मान लो ग्रुपिंग में बटा हुआ फॉर्म, और किसी किसी ग्रुप को हम जान चाहते हैं कि हम इस ग्रुप का कोरिलेशन चेक करें, राइट। तो उस कंसेप्ट को चेक करने के लिए, जैसे क्या होता है कि मान लो दोस्तों कि हमारे पास फॉर्म है बहुत बड़ा सा, उसमें ग्रुपिंग किया हुआ है कि इसमें नेम्स के डिटेल्स आएंगे, इसमें एकेडमिक डिटेल्स आएगा, इसमें एक्सपीरियंस डिटेल्स आएगा। तो इस तरीके के जब हमारे पास ग्रुपिंग किया हुआ रहता है हमारे फॉर्म में, तो हम चाहते हैं कि केवल हम बटन पर क्लिक करें तो हमारा केवल ये इस वाले सब ग्रुप का वैलिडेशन चेक हो। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं कि नेस्टेड फॉर्म ग्रुप यूज करते हैं, राइट। कि मींस कि हम उस ग्रुपिंग पर, जो सब ग्रुप होता है उस ग्रुपिंग पर हम क्या करते हैं, वैलिडेशन चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड फॉर्म ग्रुप यूज करते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसको हमें जब डेटा गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि दिस डॉट फॉर्म डॉट गेट, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर, और नेम पास करते हैं, ये जो हमारे फॉर्म ग्रुप का नेम होता है उसको पास करते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से हम, जैसा कि पहले हमने देख रखा था कि गेट करने के लिए वैल्यू क्या यूज करते हैं फॉर्म ग्रुप में, सेट या सेट वैल्यू, पैच वैल्यू, जो हम पीछे हम कंसेप्ट देख चुके हैं, तो ये सारे सारे कंसेप्ट इसमें भी यूज होता है। किसी वैल्यू कंट्रोल के वैल्यू को चेंज किया, जो हमें गेट करना हो, चेंज इवेंट का स्टेटस चेंज हुआ हो उसको गेट करना हो, तो स्टेटस चेंजेज, वैल्यू चेंजेज, जो भी कंसेप्ट है जो कि हमारे कंट्रोल्स में फॉर्म ग्रुप के अंदर यूज होता है, उस सारे कंसेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर्म ग्रुप के अंदर भी हम इजिली यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कहाँ कैसे यूज करते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है ब्राउजर पर। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हमने क्या कर रखा है दोस्तों कि एक हमारा ये फॉर्म है, जो फॉर्म ग्रुप जिसका नेम हमने फॉर्म ले रखा है, उसमें हमने एक इवेंट बनाया, ऑन सबमिट को कॉल किया, राइट। दोस्तों, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने एक डिव लिया है, उसमें फॉर्म ग्रुप नेम दे रखा है, मींस कि इसको, इस डिव को, इतने को हमने क्या किया, अलग से ग्रुपिंग कर दिया, सब ग्रुप बना दिया, राइट। तो मींस कि अब हम इस नेम पर अगर चेक लगाएंगे तो ये केवल इन दो टेक्स्ट बॉक्स का ही चेक करके, वैलिडेशन चेक करके देगा, और ये ईमेल जो इस डिप के बाहर है इसको चेक नहीं करेगा, राइट। तो इसी तरीके से हमने केवल एक ग्रुप बना रखा है, उस तरीके से मल्टीपल आप ग्रुप बना सकते हैं और अलग अलग ग्रुप का अलग अलग वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। इसी को मीन्स कि एक फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने अलग से फॉर्म ग्रुप बना दिया, राइट। और किस लिए, कि हम वैलिडेशन चेक करने के लिए। तो इसका हम कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले भी बता दूंगा आपको कि हमने एक यहाँ पे एनजी इफ लगा रखा है, जो कि डायरेक्टिव आपने देखा होगा पिछले वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज होता है। तो इसमें हमने क्या किया कि फॉर्म डॉट कंट्रोल, जो ये फॉर्म है डॉट कंट्रोल्स, राइट, उसके अंदर जो है नेम, फॉर्म ग्रुप नेम, राइट, इसको हमने चेक किया कि इनवैलिड है, तो बोलेगा कि नेम इज इनवैलिड, राइट। तो इसको चेक करने के लिए हमने फंक्शन बना रखा है, उसको हम चल के टीएस फाइल में देखेंगे। सबमिट बटन पर भी हमने कुछ एक फंक्शन जो कॉल किया, ऑन सबमिट, इसको भी देखेंगे। और जो हमने बताया कि सेट वैल्यू रीसेट कर सकते हैं, तो उस रीसेट के लिए भी हमने एक फंक्शन बना रखा है, उसको कैसे डिफाइन किया वो देखते हैं टीएस फाइल में। तो दोस्तों, हमने इसमें क्या किया है कि हमने सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, लेटर्स, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप आपको इम्पोर्ट करना होगा एंगुलर लाइब्रेरी से, जो कि फॉर्म लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे कि फॉर्म को हमने क्या किया कि न्यू फॉर्म ग्रुप बनाया, राइट। उसमें हमने नेम को भी फॉर्म ग्रुप बनाया, उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्म ग्रुप, जो मेन फॉर्म ग्रुप है फॉर्म, उसके अंदर नेम को हमने नया फॉर्म ग्रुप बनाया, मीन्स कि सब ग्रुप बन रहा है। उस फॉर्म ग्रुप के अंदर दो कंट्रोल्स है, फर्स्ट और दो, जो हमारा ये आप इसको बोल सकते हैं कि वेरिएबल टाइप का है,
जिसमें हमने क्या किया कि इसमें न्यू फॉर्म कंट्रोल सहो सब पहले से हमने साइन कर दिया, राइट, कि ये जो न्यू कंट्रोल बना रहे हैं इसमें डाल रहे हैं, नया कंट्रोल हो गया फर्स्ट से और लास्ट से, उसमें हमने सहो सब पहले डाल लिया। आप अपने यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, या ब्लैंक रखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक आएगा, और यहाँ पे दूसरे वाले में हमने लास्ट वाले में सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें वैलिडेशन लगा दिया, रिक्वायर्ड मीन्स कि रिक्वायर्ड होना चाहिए, राइट, इम्प्टी नहीं हो सकता। और इसके बाहर हमने ईमेल को रखा, इसके इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने ईमेल को नहीं रखा, बाहर हमने रखा, और इसको भी हमने एक फॉर्म कंट्रोल बना लिया, राइट। उसके बाद आप जब हम इसको मैं क्या करूंगा, ऑन सबमिट एक तो बनाया, तो सबमिट तो हमने दोस्तों इसलिए रखा है कंसोल में राइट करने के लिए, इसके वैल्यू को दिखाने के लिए कि हम इसके जो वैल्यू बन रहे हैं, इसमें जो डेटा डाल रहे हैं उसको कैसे, फर्स्ट डॉट नेम डॉट फर्स्ट मीन्स कि नेम या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अलग से सब ग्रुप है उसके फर्स्ट नेम को, उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद नेम डॉट लास्ट लास्ट को वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद पूरे नेम को मीन्स कि पूरे उस ग्रुप को प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम अलग से हमने कि फॉर्म को ले रखा है, मीन्स कि ये फॉर्म जो बाहर वाला फॉर्म ग्रुप है उसको हमने प्रिंट कराया, पर उसके वैल्यू को चेंज किया, चेक किया, और उसके स्टेटस को चेक किया, राइट। और उसके बाद हमने सेट का एक फंक्शन बनाया दोस्तों, इसमें हमने नेम चेंज कर रहे हैं, राइट, कि फर्स्ट में हमने रिसेट कर देंगे, चंदन डाल देंगे, लास्ट में कुमार। तो ये भी मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा, इससे पहले मैं एक बार सेव करके आपको रन करा के दिखाता हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यह क्या किया हुआ है, सिंपल सा, राइट। अगर आप नोट करना चाहते हैं दोस्तों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से आप यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्ट हमने कर रखा है, उसके बाद ये एक्सपोर्ट क्लास के अंदर हमने ये बना रखा है ग्रुप को, और उसके बाद ऑन ऑन सबमिट का एक फंक्शन बनाया है, सिंपल सा है। उसके बाद चलिए हम इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद दोस्तों हम ब्राउजर में देखेंगे एक्टिवेट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि सहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पहले से डाल रखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले से डाल रखा है, जो फर्स्ट और लास्ट में हम जो कंट्रोल बना रखा हमने पहले से हमने डाल रखा है, तो ये पहले से यहाँ पर सहो सॉफ्ट और सॉल्यूशंस राइट करके आ रहा है, राइट। ईमेल में हमने कुछ नहीं डाला, आप देख सकते हैं ईमेल को हमने ब्लैंक रखा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम ईमेल के अंदर भी कुछ डाल देते हैं, आप देख सकते हैं, आप ईमेल में अगर मैं डाल दिया abc@gmail.com, राइट, तो इसमें भी आप सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि abc@gmail.com आ जाएगा, राइट। आप देखिए यहाँ पर आ गया, मीन्स कि हम यहाँ से पहले से जब कंट्रोल बना रहे हैं उस टाइम हमने साइन कर दिया, इसमें हमने वैलिडेशन नहीं लगा रखा है, इसमें हमने वैलिडेशन लगा रखा है, राइट। तो अब उसको अगर हम चेक करना चाहें तो अगर हम इसको हटाते हैं दोस्तों तो ये हमें देगा, इसको अगर हमने डिलीट किया, अगर इसको डिलीट कर, देखिए नेम इज इनवैलिड, मीन्स कि हम इसमें कुछ डालेंगे आप देखेंगे ये मैसेज हट जाएगा, इसमें जैसे ही कुछ डालूंगा वो हट गया। अगर इसको भी हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ तभी बताएगा, क्योंकि इन दोनों पर रिक्वायर्ड फिल कर लगा रखा है, राइट। और इसमें हम हटाएं या कुछ भी करें इससे इसको फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि ये अलग एक ग्रुप बना रखा है मैंने, राइट। अब सबमिट करके दिखाता हूँ मैं, इसमें मान लो दोस्तों हमने डाल दिया जो पहले डाला हुआ था सहो सॉफ्ट, इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, राइट। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जो हमने राइट करा रखा है उसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा डेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सहो सॉफ्ट सोल्यूशन आ गया, पेज क्या दिखा रहा है, वैलिड दिखा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सहो सॉफ्ट सोल्यूशन आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देख जो हमारा दूसरा हमने प्रिंट किया था पूरे फॉर्म को, तो ये सहो सॉफ्ट और लास्ट आ गया, ये वैलिड दिखा रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे पूरा फॉर्म प्रिंट करा दिया, ये क्या क्या है इसके अंदर सब कुछ ला दिया, राइट। तो इस तरीके से ये काम वर्क करता है। उसके बाद हम रिसेट की बात करें, रिसेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या कर रखा है दोस्तों, कि हमने फर्स्ट में चंदन कर दिया, लास्ट में कुमार, राइट। तो इसको अगर हम रिसेट करेंगे तो आप देखिए इसको चेंज कर दिया, राइट। अगर इसको फिर मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं फिर नया जो क्रिएट होगा यहाँ पर चंदन और कुमार आ गया, इस नेम के अंदर भी अगर देखेंगे तो चंदन कुमार आ गया, राइट। तो ये सारे वर्क होते हैं नेस्टेड फॉर्म ग्रुप का, कि मीन्स कि हम किसी सब ग्रुप का फॉर्म के अंदर जो सब ग्रुप होता है उसके वैलिडेशन को सेपरेटली अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेस्टेड फॉर्म को कंसेप्ट मिलाते हैं और उसको यूज करते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्यों हम यूज करते हैं नेस्टेड फॉर्म ग्रुप। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके सोल्यूशन को दे सकूं, आपका सोल्यूशन दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक अच्छे से टॉपिक पर, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।